हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बीज चैनल। सीबीएसई अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, सारा कुछ एक ही वीडियो में। कोशिश करूंगा सारा कुछ जल्दी से अपडेट करने की, सो दैट जो बच्चे वेट कर रहे थे वीडियो का, उनके लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आएगी। पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात की कि आप वेट कर रहे थे कई दिनों से मॉडरेशन पॉलिसी के पार्ट नंबर टू का। मॉडरेशन पॉलिसी के फर्स्ट वीडियो पे थैंक यू वेरी मच, आपने जो है उतना प्यार दिखाते हो आप मुझे। आज के सीबीएसई अपडेट्स के बाद नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अब हम शुरू करते हैं जल्दी से अपडेट्स के बारे में, क्या क्या जो है अभी रिसेंटली डेज में जो है एजुकेशन अपडेट्स आए हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकल के आता है वो स्कूल की तरफ से निकल के आता है। एचआरडी मिनिस्टर्स ने कहा कि स्कूल जो है अगस्त के बाद ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि कैसे ओपन करेंगे जब इतने सारे कोविड के, जब इतने सारे जब केसेस जब इंक्रीज हो रहे हैं, जब इतनी सारी सिचुएशन जो है और बिगड़ रही है, तो ये कैसे होगा क्योंकि उस टाइम पर पीक अटेन हो चुका होगा। तो जहाँ तक बात है पेरेंट्स की, पेरेंट्स जो है change.org के ऊपर जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको मतलब नहीं खोलना चाहिए, तो आप और मैं जो है इसको ज़रूर से देखेंगे कि क्या होता है आने वाले टाइम में। DU एग्जाम्स जो है फर्स्ट से लेकर 11 जुलाई के बीच में हो जाएंगे। बच्चों डेट्स नोट कर लो जो DU के एग्जाम्स देने वाले हैं। तक बात है JEE और NEET के डेट एग्जाम्स को लेके कई जगह पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये एग्जाम कैसे हो जाएंगे जब उस टाइम पे पीक आ गया होगा। तो ये बात मुझे भी लग रहा है कि अब गड़बड़ हो सकती है JEE और NEET के एग्जाम्स को लेके। ऑल्दो आप सारे बच्चे जो है इसी डेट को फाइनल लेके चल रहा कि यही डेट्स पे एग्जाम रहेगा। हालांकि HRD मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे जो एग्जाम सेंटर्स हैं हमने डबल कर दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों में बढ़ सके। तो तक बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स को लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन जो है वो 8 जुलाई से शुरू करने जा रहा था। मैंने अपडेट इसीलिए नहीं किया, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता था, कहीं ना कहीं अपडेट जरूर करता। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। और मैं बता दूं कि आप लोगों को कि DU जो है उसने अपना एडमिशन जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। नीचे वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा, आप चाहो तो खुद से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 जुलाई से एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए। कई बच्चों ने कमेंट में लिखा कि सर आप DU में पढ़ाते हैं तो आप DU के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के ऊपर आप जो एक वीडियो जरूर बनाइए। फॉर श्योर बच्चों ये एक अच्छा आइडिया रहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के ऊपर बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया जाए। मैंने पहले भी एक पुराना वीडियो बनाया था लेकिन वो मेरा शुरू का वीडियो था, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को और डिटेल में और डिस्क्रिप्शन पे मैं रखूं ताकि बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है एडमिशन से रिलेटेड एक ही जगह पे मिल जाए। न्यूज़ निकल के आती है CBSE की अगेन तरफ से कि वो ये कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी बच्चे हैं, ये अच्छी न्यूज़ उन सारे स्कूल्स के बच्चों के लिए है, सभी का सिलेबस जो है 30% रिड्यूस किया जा रहा है फिलहाल के लिए। तो ये कहा गया है कि जो सिलेबस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए होगा, लेकिन सभी सफ़र कर रहे हैं तो सभी के लिए ये रिड्यूस करने का प्रपोजल रख दिया गया है और काम शुरू हो गया है। अब बस ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो कम यूज़फुल हैं, जिनको आगे के लिए मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं। बट आने वाले टाइम में आपको सिलेबस ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं तो सिलेबस रिड्यूस करना पर्पस नहीं होता। पर्पस ये होता है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करी जाए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट एक बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, अगर मैं सेमीकंडक्टर चैप्टर काट दूंगा आपका 12th क्लास से, तो जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको सेमीकंडक्टर वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसको समझ ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से सिलेबस बनाया जाता है कि अगली क्लास में आपको समझ में आए। असम ने इनिशिएटिव लिए है, असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल ये पूरा 2021 में स्कूल्स में कॉलेजेस में कोई फीस नहीं होगी, मतलब पढ़ने की कोई फीस नहीं होगी। इनफैक्ट उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे पेरेंट्स को ताकि वो बच्चे अपनी बुक्स वगैरह को अफोर्ड कर सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और भी गवर्नमेंट जो स्टेट्स हैं वो इस चीज़ को देख सकती हैं, अगर उनको पसंद आता है तो वो भी इसको फॉलो करें। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। इस टाइम पे जो सिचुएशन सबके पॉकेट पे पड़ रही है वो बहुत ही हैवी है, तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन रहेगा। 10th क्लास का रिजल्ट डिले हो गया है बच्चों। CBSE ऑफिशियल्स ने कहा है 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो आज अनाउंस होना था, लेकिन अब भी इसको डिले कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है वो ये कि जो बच्चे आगे फ्यूचर में साइंस लेंगे, जो 10th क्लास के बाद 11th 12th में जो साइंस लेंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए साइंस का एग्जाम कंपलसरी हो गया। यानी आने वाले टाइम में CBSE इस बात पर काम कर रहा है कि 10th क्लास के बच्चों का जो साइंस का पार्ट है उसको हटाया जा सके। मतलब जो बच्चे ने आगे जाके कॉमर्स लेना है उसका साइंस का एग्जाम जो होगा वो ऑप्शनल होने वाला है। तो इसके ऊपर भी CBSE काम कर रहा है, जहाँ तक हरियाणा ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। जो पूरे मीडिया आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।